नमस्कार, मैं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत चुनावों की बिसात बिछ गई है। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया से लेकर नाम वापसी तक का काम पूरा हो चुका है। चुनाव में कई दिग्गज नेताओं के परिजन भी मैदान में हैं। इसमें पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के पुत्र विकास और पुत्र वधु रूपाली नागर भी हैं। इसमें विकास के पास कुल 3 करोड़ की संपत्ति है। उनकी पत्नी रूपाली बीएमडब्ल्यू कार की मालकिन है। बबरी मर्डर केस में फंसे महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा के पास कुल 2 करोड़ 71 लाख की संपत्ति है। विकास को उप जिला प्रमुख के दावेदार के तौर पर मैदान में उतारे जाने की चर्चा है। रूपाली को मौजामाबाद पंचायत समिति के प्रधान के दावेदार के तौर पर लोग देख रहे हैं। जोधपुर से लीला मदेरणा को भी जिला प्रमुख का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन उनका मुकाबला पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की बेटी मुन्नी देवी से है। मुन्नी देवी भी कांग्रेस की टिकट पर जोधपुर जिला परिषद के वार्ड 18 से नामांकन पत्र भरकर मैदान में उतर गई हैं। विधायक बाबूलाल नागर के बेटे विकास नागर ने जिला परिषद जयपुर के वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नागर करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति के मालिक हैं। विकास की पत्नी और मौजमाबाद पंचायत समिति के वार्ड 13 से उम्मीदवार रूपाली के पास प्लॉट या कोई अचल संपत्ति नहीं है, लेकिन वह एक बीएमडब्ल्यू X1 मॉडल की कार की मालकिन है। इसके अलावा रूपाली के पास 85,000 नकदी, 78,000 रुपए बैंक में, 54,000 की पॉलिसी और 23,25,000 रुपए के सोना चांदी के जेवरात है। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा ने जोधपुर जिला प्रमुख वार्ड 28 से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। लीला की संपत्ति देखें तो वह 2 करोड़ 71 लाख की संपत्ति की मालकिन है। इनके पास खुद की 2001 मॉडल की होंडा सिटी कार है। बैंक नकदी और अन्य बचत योजनाओं में 24 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात समेत उनके पास 1 करोड़ 60 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा 1 करोड़ 32 लाख रुपए मूल्य की अचल संपत्तियां हैं। लीला मदेरणा से ज्यादा संपत्ति उनके पति महिपाल मदेरणा के पास है। महिपाल के पास जयपुर, जोधपुर, पाली में अलग अलग बैंकों, निवेश एजेंसियों में करीब 1 करोड़ रुपए की राशि जमा है। इसके अलावा 2,50,000 रुपए मूल्य की 2 कार और 1 जीप है और करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति भी है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।